तो भेड़िया भी आते हैं क्या कभी कभी? भेड़िया को और क्या बोलते हैं? भेड़हा। तो आके पकड़ लेते हैं भेड़ों को रात को? अच्छा, रात को का दिन का? अच्छा, दिन को भी पकड़ लेंगे। देखिए इधर भेड़िया भी है, चूंकि जंगली जानवरों का इलाका है, हाथी भी आते हैं रात को और गन्ना चुभ जाते हैं, और बड़ा खतरनाक इलाका है, कभी कभी जंगली जानवर आ जाते हैं, तो भेड़िया आकर के पकड़ लेता है। कहाँ पकड़ता है? गर्दन के पास। कहाँ पकड़ता है? गर्दन पकड़ते हैं और ये दोहा पकड़ता है। अच्छा, पकड़ के लेके घसीटते हुए चला जाएगा। खा लेता है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे भेड़िया आ गया तो लठ लेके दौड़ लेते हैं? लठ लेके दौड़ेंगे? अभी भी दौड़ लेते हैं आप? दौड़ लेंगे। तो इस लठ से भेड़िया का क्या होगा? इस लठ से क्या होगा? अच्छा, डर जाएगा और कभी कभी तो लड़ भी जाएगा। लड़ी नहीं, कैसे दौड़ेंगे आप? कैसे दौड़े? हाँ, मान लीजिए भेड़िया आ गया। अच्छा, दौड़ेंगे तो दौड़ के और फिर मारेंगे? हाँ, छोड़ जाते। तो छोड़ देता है? और भेड़ चिल्लाती है कि चुप हो जाती है? चुप हो जाती है। देखिए एक बात ही अभी है, जब भेड़िया आता है तो भेड़ चुप हो जाएगी और ये लोग जान नहीं पाते हैं कि भेड़िया आ गया। हाँ। और पकड़ेगा और ये लोग, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ। मेमने की बोलती बंद हो जाएगी जब भेड़िया आता है, लेकिन ये लोग जान जाते हैं और दौड़ा करके भेड़िया को पीट देते हैं। हाँ, लेकिन भेड़िया कभी कभी आपके ऊपर भी हमला कर देगा। हाँ, क्या लो यो, कुछ हो तो कर देगा ना। देखिए यहाँ नदियाँ हैं, वहाँ इस प्रकार लोग बैलों को, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं। देखिए पानी पिला रहे हैं अपने दोनों बैलों को, इससे खेत की जुताई करते हैं। हाँ, जोतते हैं। अरे मतलब अपना ही जोतते हैं ना, खेतवा। और गाड़ी में भी चलते हैं। और क्या करते हैं? गन्ने की पिराई भी करते हैं। अच्छा, देखिए इससे इससे खेत की जुताई करते हैं और बैलगाड़ी में। धन्यवाद। अच्छा, उस पार जाना होगा तो तैर के चले जाते हैं लोग। तैर के चले। क्या नाम है आपका? सत्रोहन। सत्रोहन। थारू आप लोग हैं? थारू ही नहीं। हाँ, गोड़िया। अच्छा, गोड़िया। गोड़िया इधर थारू लोग भी हैं, आज उनके साथ हमारा नहीं हो पाया, लेकिन ये लोग गोड़िया जात के हैं। हम लखीमपुर खीरी में हैं दोस्तों। तो यह देखा आपने, यह सब अद्भुत दृश्य है, मिलेगा नहीं। बैल रहेंगे ही नहीं, आप दिखाएंगे क्या? देखिए दोस्तों, बैलगाड़ी को ही नदी में घुसा दिया और बैल बेचारे तैर करके उस बैलगाड़ी को निकाल रहे हैं। देखिए ललकारते हुए और बैल निकाल लिए बैलगाड़ी को, उस पर डीजल इंजन भी रखा गया है और इस नदी में इस पार से घुसाया। ये तो वीडियो बनाते, इस पार से निकाल लिया। पढ़ने तो जाते नहीं हो? नहीं जाते हो? जाते। ये पॉलिथीन में क्यों लेके जा रहे हो? झोले में लेके जाओ, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा, और इधर कुछ आप देखिए, वीडियो बनाओ। भेड़ और भेड़िहारा दोनों लोग हैं, और यह शारदा नगर है। यहाँ से कई किलोमीटर है शारदा नगर? चलिए दिखा देता हूँ, 7 किलोमीटर है। हम हैं लखीमपुर खीरी में, और यह है देखिए भेड़ों का झुंड आप देख रहे हैं और गायों का। चूंकि शाम का समय है, एक भेड़िहारा अभी लेते हुए हैं। देखिए आइए, मैं इनको ही थोड़ा सा रूबरू कराता हूँ। अरे अब कंबल बुनते हैं कि नहीं? इससे बुना जाता है? अभी भी कंबल बुना जाता है? नहीं नहीं, आप आपकी भीड़ है? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सो गए थे क्या? हाँ, सो गए थे। देखिए एक छाता, एक लाठी और एक गमछा कहीं भी बिछाया और सो गए। अब भेड़ उस पार जाना होगा तो कैसे जाएंगी? पर पानी नहीं है। नहीं जाती हैं? तैरती नहीं है सब? तैर जाती हैं। भेड़ तैर के चली जाती हैं पानी में उस पार। जैसे अभी बैल चले गए, वैसे ही भेड़े भी सब तैर के चली जाएंगी, एक के पीछे एक। अच्छा, एक भेड़ इनार कुएं में गिरेगी तो सब गिर जाती है ना? भेड़ का, अब आइए नजदीक से थोड़ा सा दिखा लें। भेड़ काटती नहीं है? काटती नहीं है। देखिए
ये है। एक भेड़ कितने में जाती है? एक भेड़ कितने में जाती है? देखिए सोच रहे हैं कि यह कौन सा है। चलिए मैं इनके भाषा में बोलता हूँ। मैं अच्छा भेड़ा कौन सा है इसमें? भेड़ा देखिए उधर दूध पिला रही है भेड़, किसको दिखा देते हैं, मातृत्व का भी आनंद लीजिए। यह किस प्रजाति की भेड़ है? यह प्रजाति को नहीं, देसी है, सब देसी भेड़ है। इस समय इनको घास मिल जा रही है बरसात में, ये सब देख रहे हैं कि क्या मामला है यार। देखिए भैया ये तो भाई साहब फोटो है। हाँ भेड़ी है ते बड़ा फोटो करो तो नहीं का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का यही अंत करता हूँ। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।